एक ही कंस्ट्रक्शन जो आपको दिखाई देगा, जो समझने के लिए काफी है कि रेलवे ने खुद को सेपरेट किया है, एक ही कंस्ट्रक्शन है। इधर आ, आ। से चूने से चीनी हुई मस्जिद थी, फिर 1990 में तकरीबन ये दोबारा तरीके से नई तरीके से। अब क्या कह सकते हैं, रेलवे की अपनी मर्जी है, क्या कह सकते हैं उसके बारे में, हम क्या कह सकते हैं। अरे साइडो, ये मस्जिद पहले गुम्बद की हुआ करती थी, 300-400 साल पुरानी मस्जिद है। जैसे पैसा आता है इस तरीके से मस्जिदों में, मंदिरों में, सब जगह जो भी मतलब ये है कि धार्मिक स्थल है, ऐसे ही काम होते हैं सब जगह। प्लास्टर हुआ है, ये पुराना है पहले से, ये जो प्लास्टर था, हाँ ये रिपेयरिंग करिए बात। हमने मस्जिद की तरफ से भी ये गजट के तहत जो है अपने कार्रवाई हमने भी शुरू करी, रेलवे को पहुंचा दिए कागज। दोनों ही तरफ दीवार से इतर कोई कंस्ट्रक्शन आपको इस रेलवे के इलाके में नहीं दिखेगा, सिवाय इस मस्जिद के। प्रथम दृष्टया पहली नजर में ऐसा लगता है कि रेलवे की जमीन पर ये मस्जिद का कुछ कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। हम आपको दूसरी तरफ से भी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि स्थिति और भी साफ हो सके। ये मस्जिद है, मस्जिद का कंस्ट्रक्शन है जो जिस पर रेलवे का क्लेम है। इसी आबादी के पिछले हिस्से में ये मस्जिद है और मस्जिद की दीवार लेकिन दूसरी तरफ तक जाती दिखाई देती है, जबकि ये दीवार एक बाउंड्री है जो दो हिस्सों को अलग करता है। बंगाली मार्केट वाला इलाका है जो बंगाली मार्केट और रेलवे को अलग करता है और ये परमानेंट दीवार दी गई है। ये दीवार ही बंगाली मार्केट और रेलवे को अलग करता है। आपने एक खबर सुनी होगी कि दिल्ली के दो मस्जिदों को रेलवे ने नोटिस भेजा है। नोटिस ये कहकर भेजा है कि वो दो मस्जिदें जो हैं वो रेलवे की ज़मीन पर हैं। हम अभी ITO पर हैं, आपको मस्जिद का नाम दिख रहा है, तकिया बाबर शाह मस्जिद, ये बब्बर शाह मस्जिद नियर तिलक ब्रिज के सामने है। और ऊपर ट्रेन दिखा दो अनिश, ये रेलवे का ब्रिज है और ऊपर से रेलवे लाइन गई हुई है और उसके ठीक बगल में मस्जिद है। हमारे साथ मस्जिद के इमाम साहब हैं, इमाम साहब से हमने बात की, इमाम साहब अपनी बात कहना चाहते हैं। इमाम साहब, हाँ हाँ, चलिए चलिए, ठीक है। ये आप देख लो, ये इस तरफ से लोग आते हैं मस्जिद के लिए, अभी भी काफ़ी लोग थे अंदर। वो ये नोटिस है, ये नोटिस है रेलवे वाला, जिसमें कहा गया है कि भाई सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है जिन्होंने रेलवे भूमि अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया है, आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की ज़मीन पर बने अनाधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को इस सूचना के 15 दिन के स्वेच्छा से। ये पूरा नोटिस है जो रेलवे ने चस्पा किया है मस्जिद की के बाहर की जो दीवार है उस पर। और हमारे साथ इमाम साहब बता रहे थे कि इमाम साहब ने भी जो मस्जिद के कागजात बताए जा रहे हैं कि भाई ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और मस्जिद के जो लोग देख रेख करते हैं उनकी तरफ से ये कागज़ चस्पा किया गया है कि भाई ये हमारी ज़मीन है। और हमने अब चूंकि नोटिस दिया गया है रेलवे की तरफ से, तो उसके जवाब में मस्जिद की कमेटी ने ये बाहर दिया है। हमारे साथ इमाम साहब हैं। इमाम साहब, अपना नाम बताइएगा। जी, हिफ्ज़ुर रहमान। रहमान साहब, ये बताइए कि नोटिस तो मिल गया है आप लोगों को, हमें इस मस्जिद के बारे में बताइए। जी, ये मैं इसी नोटिस के बारे में बता रहा हूँ। इसका जवाब ये है कि ये वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। अच्छा। मस्जिद, क्योंकि कुछ दिल्ली में प्राइवेट भी है, कुछ वक्फ बोर्ड की ज़मीनें भी है, मस्जिदें भी है उसमें। तो ये कागजात हैं 1971 का गजट है। अच्छा। और इससे पहले कागजात भी है 1945 के। जी जी, 1945 के कागजात भी बोर्ड के पास है। आज जो है उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और वो हाई कोर्ट चले गए। और इससे पहले उन्होंने कागज़ अपने जो है रेलवे को भी जमा कर दिए थे दो तीन रोज़ पहले। और हमने मस्जिद की तरफ से भी ये गजट के तहत जो है अपने कार्रवाई हमने भी शुरू करी, रेलवे को पहुंचा दिए कागज़। ये मस्जिद पहले गुम्बद की हुआ करती थी, 300-400 साल पुरानी मस्जिद है। और रेलवे गुम्बद पुरानी जो गुम्बदें हैं ना, आज जैसे ये मकबरा है, गुम्बद है, इसमें इसी तरीके से गुम्बद वाली मस्जिद थी ये, और पत्थरों से चूने से चीनी हुई मस्जिद थी। फिर 1990 में तकरीबन ये दोबारा तरीके से नई तरीके से ये अभी हम लोग ये मस्जिद को जिस हालत में अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसी भी है ये अभी कितने दिनों से है अपनी इस हालत में? अभी ये तीसरी दफ़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अभी ये प्लस्तर कराया सिर्फ। देखो अभी भी ये पुराना काम है, रुका हुआ है, क्योंकि चंदे से काम होता है यहाँ, पैसे इकट्ठे होते हैं फिर वो लग जाते हैं, फिर दोबारा जैसे जैसे पैसा आता है इस तरीके से मस्जिदों में, मंदिरों में, सब जगह जो भी मतलब ये है कि धार्मिक स्थल है, ऐसे ही काम होते हैं सब जगह। तो ये काम ही चल रहा था, अभी
रुका हुआ है बीच में। बताइए, जैसे पहली नजर में कोई भी देखेगा तो वो कहेगा कि ऊपर चूंकि रेलवे जा रहा है और नीचे मस्जिद है ठीक नीचे, तो लोग कहेंगे कि ये रेलवे की जमीन में हो सकता है, तो इसलिए आपने ये पेपर दिए हैं इसके। जी जी, ये क्या वक्फ बोर्ड की जमीन है? वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है ना, वक्फ बोर्ड की जमीन ही है। मतलब आपको इस पर क्या कहना, चूंकि पहली नजर में तो लगता है कि हो सकता है कि रेलवे की जमीन में है मस्जिद, बाद में पड़ेगा ना ये। असल में ये है ना कि लाइन बाद में गई है, मस्जिद 300-400 साल से है मस्जिद, ये लाइन तो 100-150 साल से है, रेलवे लाइन जो है बाद की है ये। ये एक लाइन और आप बात करेंगे? हाँ, ये एक लाइन और बाद में पड़ी है। अच्छा, ये बाद में, और इससे लाइन से पह रहती है। आप लोगों को कुछ और कहना है अपनी बात में, क्योंकि रेलवे ने 15 दिन का नोटिस दिया है आप लोगों को। ये रेलवे वालों का मुआहदा हुआ था। अच्छा, जब ये लाइन पड़ी है यहाँ तो इनको लाइन सीधी करनी थी अपनी, तो मस्जिद वालों ने जो है जगह दी इधर से और रेलवे वालों ने उधर से जगह बढ़ाई, तो इस तरह मुआहदा हुआ था। ये मस्जिद की जगह रेलवे में गई और मस्जिद वालों ने उधर बढ़ा के दी थी, इस तरीके से। ये भी बाकायदा कागज़ों में है, 1973 के वक्फ बोर्ड के पास कागज़ है, आज उन्होंने जो है कोर्ट में लगाए वो। अच्छा, वक्फ बोर्ड कोर्ट गया है इस मामले में? कोर्ट गया, आज तो शुरू कर दी उन्होंने अपने काम में। हाँ भैया बताइए। नहीं, हम तो देखो यहीं नमाज़ पढ़ना आते हैं 30 साल से, तो हम भी देख रहे हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ के मुक्तदी हैं, जैसे जिम्मेदारी हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं और यहीं पे हमारा काम भी है। अच्छा, 30 साल से तो हम कलमबंद यहाँ देख रहे हैं भैया। लेकिन जैसे एक चीज़ बताइए, ये आप देख लो रेलवे की स्थिति, ये देखने में तो लग रहा है कि पुरानी बात है, ये कंस्ट्रक्शन कोई देखेगा तो कहेगा कि जी नई नया कंस्ट्रक्शन है। हाँ, ये पलस्तर हुआ है, ये पुराना है पहले से, ये जो पलस्तर था ये रिपेयरिंग करिए बाद में। नाम से कितने लोग आते होंगे जैसे नमाज पढ़ने के लिए? देखो ये लाइन अभी पड़ी है 2-3 साल सारे हुए हैं। अच्छा, 3 साल अभी ये देखो, ये देखो पलास्तर, ये सब पुराना है, ये भी बाद में बनाया। ये किस चीज की दीवार है भैया? ये इन्होंने एक लाइन निकाली। जी जी जी, एक लाइन और डाली नहीं। ये दिखा दे। सब पुरानी है, आप मैं उधर से भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये पूरा मलबा है जो पुराना होगा, पहले रास्ता भी इधर से था, ये सब अंदर से आया था। ये मलबा है जो मस्जिद में से निकला है, वो है। ये गेट भी था इधर से और रास्ता भी था, ये दीवार जो है ना, जब लोग यहाँ आते थे रेलवे तो पुलिस वालों ने मना कर दिया था, ये बंद कर दो, ये रास्ता था, ये गेट था पीछे का। तो अभी इसका रास्ता रोड से वही जैसे हम लोग आए वही है क्या? एक ये है, एक उधर है पुलिस साइड। तो मेन रोड से जैसे मौलवी साहब कोई सीधे आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा? मेन रोड से भी आ सकते हैं, खुलता है, जुमे के दिन खुलता है। अच्छा जी, ठीक है। आनानिश मस्जिद 4-5 साल पहले ही डली है ये वाली। कुएं जो है आज नहीं बनते, कुएं 200-400 साल पुराने ही थे मस्जिदों में, जो भी वो कुआ भी है पत्थरों का बना हुआ है पुराना, वो भी आप देख सकते हैं। आप इनसे भी बात कर लीजिए मस्जिद के सीनियर। अंकल नाम बताइएगा अपना। आप कहाँ से हैं? मैं न्यूज़ वन इंडिया से। न्यूज़ इंडिया से जी। वालेकुम। कितने आते रहे जी आप? अरे मीडिया की कमी थोड़ी है अंकल, अपना नाम बताइएगा। अब्दुल गफ्फार। गफ्फार साहब, ये मस्जिद की पूरी कहानी तो पूरा देश देख रहा है जी। इस पर क्या कहना है आपको, क्योंकि रेलवे तो 15 दिन कह रहा है कि जी 15 दिन में खाली कर दीजिए। आप क्या कह सकते हैं जी, रेलवे की अपनी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में, हम क्या कह सकते हैं सेक्रेटरी साहब। लेकिन पहली नज़र में जैसे कोई आएगा तो वो कहेगा कि ऊपर रेलवे है ठीक नीचे मस्जिद है, तो कह सकता है कि जी लगता है कि रेलवे की ज़मीन में मस्जिद है। इसके लिए रेलवे के जवाब के लिए आपके पास पुख्ता सबूत तो होंगे, पेपर होंगे, कागज़ होंगे? ये बकबोर्ड की प्रॉपर्टी, उसके पास सारे सबूत हैं। अच्छा सर, ये देखो गजट है 1970 का, 1945 का उनके पास है। अच्छा। तो सबूत तो उनके पास हैं सारे, उसमें भी 123 प्रॉपर्टी में है। तो इस मामले को आप लोग कोर्ट में तो लेके जाओ। बिल्कुल, पहुंच गए कोर्ट में, पहुंचा दिया भगवान ने, पहुंचा दिया कोर्ट में, आज लगा दिए एप्लीकेशन। हम अंदर देख सकते हैं क्या? देख सकते हो अंदर? देख सकते हैं सेक्रेटरी साहब? देख सकते हो, देख लो अपना। देख ये वैसे है भैया, मतलब आप लोगों ने इसको ढक दिया है? हाँ, ये मस्जिद, ये नमाज होती है ना यहाँ, ये कुआ है, तो इसमें गिर जाएगा पर ये तो लगाना पड़ेगा ना, ये नीचे बहुत गहरा कुआ है, ये कुआ। आशीष लाइट नहीं है तेरे पास? ये देखिए, देखो ये पूरा बहुत बड़ा कुआ है, लाइट लाना चाहिए था ना। नहीं मैं कैमरा में चला रहा हूं, दो मिनट। ये देखो, ये पूरा बहुत कुआ है, ये गोल कुआ है पूरा। अरे ये देखो, ये पत्थर देखो, कम से कम ऐसा है 7x7 के आसपास। पत्थर जो लगा हुआ है ना, इधर से देखो सर, इधर से आइए, इधर देखिए,
ये पत्थर देखो किस चीज, ये पत्थर से बना हुआ है, पुराने का पुराना होगा वो। ये कागज पागल हो गया, ये कागजों में है, कागजों में कुआ है ये क्या मतलब, उस कागज में भी मेंशन है। तकिया बब्बर शाह मस्जिद के अंदर हैं, इमाम साहब हम लोगों को अंदर ले आए हैं। ये मेन रोड की तरफ वाला हिस्सा है, दूसरी तरफ रोड के साइड से एक मेन गेट भी है जो जुमे के दिन बताया गया कि खोला जाता है। ये पुरानी दीवार बता रहे हैं इमाम साहब की, ये देख लीजिए आप, ये शॉट बना लो आशीष, कि एक पुरानी दीवार है, साथ में ऊपर छत भी हमें दिखाया गया। मस्जिद के अंदर एक कुआं भी दिखाया गया हमें, जो चूंकि लोग अंदर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो उसको टाइल से वैसे ढक दिया गया, लेकिन कुआं है हमने देखा। हाँ, और इमाम साहब साथ में ये भी बता रहे हैं कि जो कागज़ ज़मीन के इन्होंने बाहर चस्पा किए हैं उन कागज़ों में भी कुएँ का जिक्र है। तो सवाल है कि रेलवे अगर जगह है तो इतना लेट क्यों जगह है, अगर रेलवे पहले भी बोल सकता था, अगर रेलवे की प्रॉपर्टी में मस्जिद है तो। रेल हालांकि यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन नया भी है, लेकिन हमने बहुत कुछ पुराना भी देखा, जैसे वो दीवार काफ़ी पुरानी हमें लगी है, ये दीवार भी काफ़ी पुरानी है जैसे दिखाओ। और ये एंट्री गेट है, ये मेन रोड की तरफ का गेट है, जब जुमे के दिन लोगों के लिए ये खोला जाता है, लोग यहाँ से मस्जिद में आ सकते हैं। और ये देख लो आशीष, ये दिखा दो, और मस्जिद तकिया बब्बर शाह नियर तिलक ब्रिज ITO न्यू दिल्ली। तो इस जगह को रेलवे ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में आप इस जगह को खाली करिए, और लेकिन जो मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी है वो हमें बता रही है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और ये लोग कोर्ट में भी गए हैं। तो आगे देखते हैं कि इस मसले पर क्या होता है। ठीक है, हमने आपको तकिया बब्बर शाह मस्जिद जो ITO पर स्थित है उसका हर हिस्सा दिखाया, हमने अंदर से भी दिखाया, अंदर एक कुआं जो इमाम साहब बता रहे थे हमने वो भी दिखाया है, हमने आपको नोटिस भी दिखाया है, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ऊपर से रेलवे जा रहा है, एक रेलवे का जो पिलर है जो मतलब सपोर्ट के लिए वो पिलर काफ़ी आगे तक है। हमने आपको मस्जिद के अंदर जो है पुराने कंस्ट्रक्शन भी दिखाए हैं, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि रेलवे का यहाँ कुछ सामान वामान जो है ये पड़ा हुआ है। यहाँ हमें बताया गया कि ये पिछले 5-7 सालों से ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक ज़रूरी बात जो हमें यहाँ पर इमाम साहब ने और मस्जिद के लोगों ने बताया वो ये कि अगर रेलवे को इस ज़मीन की ज़रूरत है और इस जगह की ज़रूरत है तो रेलवे हमें कंपनसेट कर दे, हमें थोड़ा शिफ्ट कर दे। अगर उस जगह की ज़रूरत है, वहाँ लाइन बिछाना है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है जो रेलवे उस ज़मीन पर का इस्तेमाल करना चाहता है, हमें इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, हमें कंपनसेट कर दीजिए, उसका कुछ तो आप करेंगे। अगर हमें कहीं से हटा रहे हैं तो उसका कुछ तो आपके पास जवाब होगा। और ये हमसे इमाम साहब ने बताया कि अगर रेलवे को इस ज़मीन की ज़रूरत है तो हमें एक रास्ता सुझाए, हम लोग मस्जिद के ऊपर यानी कि मस्जिद के ऊपरी हिस्से मतलब कि जो सामने से आपको रेलवे ब्रिज दिखाई दे रहा था, हम उस ब्रिज के ऊपर है। ये सामने आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, यही वाला हिस्सा है जिसके लिए रेलवे ने इनको नोटिस दिया है कि आप 15 दिन में ये जगह खाली कर दें। अनीश ये ठीक से दिखा दो, ये चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन है आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नया कंस्ट्रक्शन है, नया ये बाहर से ज़रूर लग रहा है। हम मस्जिद के अंदर गए थे, हमने देखा है, हमने निरीक्षण किया है, मस्जिद के अंदर कई पुरानी दीवारें, एक कुआं और पुराना कंस्ट्रक्शन भी हमको मिला है। अगर मस्जिद के पिछले हिस्से में आप जाएंगे तो आपको कुछ पुराना कंस्ट्रक्शन भी दिखेगा। हमें जो मस्जिद के इमाम की तरफ से बताया गया कि ये कंस्ट्रक्शन हमें जैसे जैसे पैसा मिलता है हम वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। और फिलहाल हम लोग रेलवे वाली के हिस्से पर हैं जहाँ से ट्रेनें आती जाती हैं, सामने तिलक ब्रिज है, तिलक ब्रिज का रेलवे स्टेशन, और दोनों ही तरफ से रेल आती जाती है, और ये 3-4-5 लाइनें हैं जिनसे रेलवे का आवागमन होता है। अब आप यहाँ से देख लो, मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन आपको दिखाएं कि मस्जिद की फ़िलहाल जो हालत है वो किस हालत में है। हमें मस्जिद के इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से ये भी बताया गया कि रेलवे को अगर इस जगह की ज़रूरत होगी, रेलवे को अगर ये ज़रूरी जगह ज़रूर चाहिए ही चाहिए, तो रेलवे हमको कंपनसेट करे, हम अपनी जगह से अगर हिलेंगे भी तो हमें वो साइड का ज़मीन हमने आपको दिखाया है वो कहते हैं कि हमको वो जगह दी जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं वो फिर कहाँ जाएंगे। और देखिए, जब मैं ये वॉक थ्रू आपको कर रहा हूँ तो एक और लोकल ट्रेन यहाँ से जाती हुई, यानी कि ये जो तिलक ब्रिज की जगह है, जो तिलक ब्रिज ITO पर जहाँ पर हम लोग हैं उसके ठीक नीचे ये मस्जिद है। मस्जिद अभी जो मतलब ऊपर से जब आप देखोगे तो वो लगेगा कि बिल्कुल नया है, कोई परमानेंट व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं लगती है, वैकल्पिक चीज़ों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई है। लेकिन मस्जिद के अंदर कुछ पुरानी दीवारें, कुआं, ये सब तस्दीक करती हैं जो इमाम साहब कह रहे हैं कि ये मस्जिद पुरानी भी हो सकती है। फिलहाल रेलवे का नोटिस है और मस्जिद की कमेटी जो है
जो लोग मस्जिद का काम देखते हैं, सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई, इमाम साहब से बात हुई, ये सब लोग अब इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ने की बात कर रहे हैं। दिल्ली की दो मस्जिदों को रेलवे ने नोटिस भेजा है। नोटिस इस बात के साथ है कि आप 15 दिनों में हमारी ज़मीन छोड़ दीजिए, वरना हम कार्रवाई करेंगे। हमने आपको आईटीओ स्थित मस्जिद की हालत दिखाई थी, वो किस हालत में है, रेलवे की पोजीशनिंग क्या है, मस्जिद की पोजीशनिंग क्या है, हमने आपको साफ साफ दिखाया, आपको विजुअल्स में दिख जाएंगे। ये नोटिस चस्पा करके, ये बंगाली मार्केट वाला मस्जिद का हिस्सा है, यहाँ पर रेलवे का नोटिस है। अब ये नोटिस रेलवे चिपका कर गई है, आप यथास्थिति मस्जिद की देख लो। मस्जिद हैं, बच्चे अंदर खेल भी रहे हैं, मदरसा भी होगा, बच्चे अंदर काफ़ी संख्या में बच्चे हैं। अब आप, मैं आपको एक पोजीशनिंग ये दिखाना चाहता हूँ कि ये तो मस्जिद का मेन गेट है, जो मस्जिद से एंट्रेंस गेट है ये वाला, यहाँ से आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। और ये नोटिस जो चस्पा है वो इस दीवार पे चस्पी है, उसका मुझे लग रहा है अर्थ क्या है वो समझने की ज़रूरत है। यहाँ भी नोटिस चस्पा है, आप देख लो, हमारे कैमरामैन से कहेंगे ये नोटिस भी आप दिखा दीजिए। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए, ये बंगाली मार्केट वाला इलाका है जो बंगाली मार्केट और रेलवे को अलग करता है, और ये परमानेंट दीवार दी गई है, ये दीवार ही बंगाली मार्केट और रेलवे को अलग करता है। दूसरी तरफ, यानी कि इस दीवार के दूसरी तरफ रेलवे की पटरी है, इलेक्ट्रिक लाइन बिछा हुआ। अब इस दीवार पे चस्पा नोटिस होने का क्या मतलब है, ये जो दीवार है जिसकी दूसरी तरफ रेलवे की पटरी है, यानी कि यहाँ तक इस दीवार के पहले तक रेलवे की ज़मीन है, जो रेलवे का दावा है, उसी आधार पर रेलवे ने ये नोटिस दिया है। अब रेलवे की नोटिस जिस दीवार पर चस्पा है, आप उस दीवार का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, वो दीवार जो है मस्जिद की दीवार से जुड़ी हुई है, और वो कंस्ट्रक्शन जो है मस्जिद का ही कंस्ट्रक्शन है जो आगे तक है, जबकि जो ये दीवार है, ये दीवार है वो रेलवे और बंगाली टोला जो इधर की आबादी है उसको अलग करता है। इसी आबादी के पिछले हिस्से में ये मस्जिद है, और मस्जिद की दीवार लेकिन दूसरी तरफ तक जाती दिखाई देती है, जबकि ये दीवार एक बाउंड्री है जो दो हिस्सों को अलग करता है। अब जो दो हिस्सों को जब अलग करता है, अगर यहाँ तक, यहाँ इस दीवार के पहले तक अगर रेलवे है और दूसरी तरफ आबादी रह रही है, तो ये वाला हिस्सा जो है, जिस पर मुझे लग रहा है रेलवे का क्लेम है कि यानी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है मस्जिद की तरफ से, जिस पर रेलवे का दावा है। अब सवाल है कि मस्जिद के लोग इस पर क्या बात कहेंगे, वो अपनी क्या बात रखते हैं। हमने कोशिश की है बात करने की, यहाँ कई बुज़ुर्ग हमें मिले, लेकिन वो अपनी बात कहना नहीं चाहते, हमसे बात नहीं करना चाहते। आईटीओ वाले मस्जिद के इमाम से हमने बात की थी, उनका दावा था कि ये 400 साल पुराना मस्जिद है। हमने आपको मस्जिद की पोजिशनिंग दिखाई थी, और ये आप देख लो, वो पीछे देख लो, आपको मेरे पीछे से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे रहा होगा, ठीक बगल में रेलवे की पटरी है। ये दीवार जो है, जो दीवार आपको कैमरे पे दिख रही है, वो दीवार रेलवे का हिस्सा और आबादी वाले हिस्से को अलग करती है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में जो दिखता है यहाँ से, कि मस्जिद का एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन रेलवे की ज़मीन पर हो सकता है, जो देखने में मिल रहा है। अब हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन प्रथम दृष्टया जब आप आएंगे, जो दीवार है उस दीवार से दूसरी तरफ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है। हम वो वाला हिस्सा भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन अगर है तो वो कंस्ट्रक्शन है कितना, और इसका क्या जवाब मस्जिद देगी, मस्जिद के लोग देंगे, मस्जिद से की कमेटी से जुड़े लोग देंगे, वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। आपको एक और हिस्सा दिखाते हैं कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन था जो मस्जिद का ही कंस्ट्रक्शन था। हमें जो यहाँ से जानकारी मिली है, वो करीब 2-3 महीने पहले ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा तोड़ा गया है। हमें बताया गया कि यह कंस्ट्रक्शन का हिस्सा डीडीए की तरफ से तोड़वाया गया है। तो सवाल है कि यह कंस्ट्रक्शन किस हिस्से में था और डीडीए ने इसको क्यों तोड़ा, यह अपने आप में सवाल है। दूसरा, जिसको लेकर नोटिस दिया गया है, यह वाले हिस्से को लेकर रेलवे का कोई क्लेम नहीं है, जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि नोटिस केवल एक तरफ की दीवारों पर चस्पा किया गया है, यानी कि मैं जहां खड़ा हूं वहां से राइट की साइड में जो है वो दीवार है। आप वो दीवार देख लीजिए, जो दीवार मैं फिर से दिखा रहा हूँ, वो बार बार, वो दीवार काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दीवार गवाही दे रहा है कि एक तरफ आबादी है, दूसरी तरफ रेलवे। तो सवाल है कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन रेलवे की साइड अंदर की तरफ कैसे चला गया, जिस दीवार पर नोटिस आपको दिखाई दे रहा है, यही सवाल है। 15 दिनों का वक्त है। अब सवाल है कि मस्जिद के लोग क्या इस मामले को कोर्ट में लेकर के जाएंगे। जैसा कि हमने आईटीओ मस्जिद के इमाम ने हमें बताया कि उनका ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और हम जो है केस कोर्ट में लड़ेंगे। वो हमें बता रहे थे कि हम कोर्ट में भी गए, लेकिन जो सवाल, असल सवाल है,
प्रथम दृष्टया पहली नज़र में ऐसा लगता है कि रेलवे की ज़मीन पर ये मस्जिद का कुछ कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। हम आपको दूसरी तरफ से भी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि स्थिति और भी साफ हो सके। हम लोग बंगाली मार्केट में स्थित जो मस्जिद जिसको रेलवे ने नोटिस दिया है उसके अब दूसरी तरफ हैं। पहले हिस्से से मैंने आपको दिखाया था जो यथास्थिति थी, जो मस्जिद की पोजिशनिंग थी। अब आप ये देख लो, रेलवे की पोजिशनिंग आप ये देख लो, ये रेलवे लाइनें हैं। वो दीवार जहाँ से मैंने आपको बताया था कि एक दीवार है रेलवे और बंगाली मार्केट के बीच में, तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन तक, जो दोनों इलाकों को अलग करता है। ये आबादी और रेलवे की ज़मीन दोनों को अलग करता है। आप उस दीवार की पोजिशनिंग देखो, वो दीवार जो आबादी को अलग करती है उसकी पोजिशनिंग क्या है। और दूसरा ये आप पोजिशनिंग देखो मस्जिद की, कि मस्जिद क्या मस्जिद रेलवे की ज़मीन की तरफ है या रेलवे मस्जिद की ज़मीन में है। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है आप ये देख लीजिए। हमारे दोनों तरफ से ट्रेन जा रही है इस पूरे इलाके में, दोनों ही तरफ मेरे दाएं और बाएं कंस्ट्रक्शन क्या है, दीवार जो रेलवे और आबादी को अलग करती है। इस बीच में सबसे ज़रूरी क्या है, वो है एक ही कंस्ट्रक्शन जो आपको दिखाई देगा, जो समझने के लिए काफ़ी है कि रेलवे ने खुद को सेपरेट किया है आबादी वाले इलाके से खुद को। लेकिन एक दीवार ऐसी है, एक इलाका, एक कंस्ट्रक्शन ऐसा है जो रेलवे की ज़मीन की तरफ अतिक्रमण को दर्शाता है। रेलवे ने वही नोटिस मस्जिद की कमेटी या मस्जिद के मेम्बरान को दिया है, जिस तरफ से रेलवे की ज़मीन है, जो हिस्सा रेलवे क्लेम कर रहा है कि उसका है, जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो उनका ही हिस्सा है, वो दीवार उसी तरफ की दीवार पर रेलवे ने बंगाली मार्केट में नोटिस दिया है। और उसी वाले हिस्से पर जो है मैंने आपको दिखाया कि नोटिस चस्पा है। ये है मस्जिद, ये मस्जिद है, मस्जिद का कंस्ट्रक्शन है जो जिस पर रेलवे का क्लेम है। इसी तरफ की दीवार पर नोटिस भी है और हमने आपको दिखा दिया था कि कौन सी दीवार मस्जिद और माफ़ कीजिएगा, कौन सी दीवार जो है रेलवे की प्रॉपर्टी यानी रेलवे की ज़मीन और आबादी वाले हिस्से को अलग करती है, वो ये दीवार है, वो दीवार है। हमने दूसरी तरफ से भी आपको दिखाया था जो मस्जिद की पोजीशन थी। लेकिन ये जो उस दीवार से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, जो दीवार खड़ी है उस दीवार से यहाँ तक का हिस्सा जो है, ये ऐसा लगता है कि ये अतिक्रमण वाला हिस्सा है और ये अवैध अतिक्रमण लग रहा है कि रेलवे की ज़मीन पर मस्जिद का कुछ हिस्सा है और काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन है इस हिस्से में और इसी पर रेलवे का क्लेम है। हमने आपको दोनों ही पोजिशनिंग दिखाई है। हमने आपको ITO पर स्थित उस मस्जिद की भी हालत दिखाई कि कैसे ठीक रेलवे ब्रिज के नीचे एक मस्जिद है। मस्जिद ऐसा लगता है देखने में बाहर से कि बहुत टेम्प्रेरी और बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब हम मस्जिद के अंदर गए तो हमें कुछ पुराने दीवार, पुराने दरवाजे, वहाँ कुछ पुराना मलबा भी पड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों का दावा है कि वो 400 साल पुराना है। हमने ये मस्जिद भी आपको दिखाया है, इसका कंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा बताया गया कि यहाँ की अथॉरिटी DDA की तरफ से तोड़ा गया है। अब मस्जिद के इंतज़ामिया कमेटी को इस वाले हिस्से को लेकर कि जो रेलवे की ज़मीन में प्रथम दृष्टया, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि प्रथम दृष्टया जब आप इसको देखेंगे, इस पूरे इलाके में अनीश दिखा दो, पूरे इलाके में मैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो ये मेरा लेफ्ट साइड है जो मस्जिद वाला हिस्सा है, और उधर भी आप देखोगे तो दोनों ही इलाकों में दीवार खड़ी की गई है। दीवार का मतलब ये है कि दीवार तक रेलवे की प्रॉपर्टी है। इधर भी दीवार है जो मैंने आपको दिखाया था, आगे भी दीवार है, लेकिन दीवार के बाहर तक ये कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, सवाल ये है। सवाल रेलवे के उन अफसरान से भी है कि आखिर अचानक आज कैसे नींद टूट गई है, ये तो कोई आज का कंस्ट्रक्शन तो नहीं लग रहा है। जब हुआ होगा तो भी रेलवे को पता चला होगा, आँख बंद करके या रातों रात ये कंस्ट्रक्शन तो नहीं खड़ा हुआ है। जो कंस्ट्रक्शन पहली नज़र में अवैध लग रहा है, वो कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन आप देख लो, 2 माले की बिल्डिंग है, ये कंस्ट्रक्शन कैसे खड़ा हो गया और उस समय रेलवे क्या कर रहा था। वो दीवार जो वहाँ से शुरू हुई है उस तरफ से, जो मैंने आपको विजुअल्स दिखाए थे, उस तरफ से दीवार शुरू हुई, फिर यहाँ से दीवार कंटिन्यू है। ये वाला हिस्सा देखो आप, यहाँ से वही दीवार कंटिन्यू है,
लेकिन उस दीवार से इस तरफ कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन कोई रातों रात का कंस्ट्रक्शन नहीं है। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि आप मेरे दाहिने तरफ देखेंगे वो दीवार देख लीजिए, वो दीवार ने दूसरी तरफ आबादी को रेलवे से अलग किया, इस दीवार ने हमारी बाईं तरफ जो है आबादी को रेलवे से अलग किया। इस पूरे इलाके में आप चाहो तो इधर पैन करके दिखा दो, उस तरफ दिखा दो, दोनों ही तरफ दीवार से इतर कोई कंस्ट्रक्शन आपको इस रेलवे के इलाके में नहीं दिखेगा सिवाय इस मस्जिद के, बंगाली मार्केट मस्जिद के। तो सवाल है कि अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है। हम किसी फैसले पर नहीं जा रहे, हम किसी को गलत या सही नहीं बता रहे, हमने आपको पोजिशनिंग दिखाई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको रेलवे की पोजिशनिंग दिखाई बंगाली मार्केट मस्जिद से, हमने आपको आईटीओ वाले मस्जिद से भी, जो तिलक ब्रिज वाला मस्जिद है वहाँ भी उस मस्जिद की पोजिशनिंग और रेलवे की पोजिशनिंग दिखाई। ये दर्शक तय करें क्या रेलवे मस्जिद की ज़मीन में है या फिर मस्जिद जो है वो रेलवे की ज़मीन में है, ये आप देख करके बताइएगा।